Hello friends, in this video lecture we will discuss about in which way Sridharacharya formula can be derived. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो किस तरीके से हम लोग उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑब्टेन करेंगे, इसके बारे में हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इस टाइप का ये दिया हुआ है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेरिएबल x में, जहां पर a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, b कोफिशिएंट ऑफ x है और c आपका एब्सोल्यूट टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। और एक बात बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन बट a शुड नॉट बी जीरो। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर a की वैल्यू अगर आप जीरो ले लेंगे तो उस केस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो वन है दैट विल रिड्यूस टू द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं कि दोनों साइड 4a से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो क्या मिलेगा? 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4ab x प्लस 4ac। और राइट हैंड साइड में देखिए 0 इंटू 4a, तो 0 मल्टीप्लाइड विद 4a, a क्या है? नॉन जीरो है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा? ये आपका 0 आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 4 कैन बी रिटेन है 2 स्क्वायर a स्क्वायर x स्क्वायर, फोर की जगह पे क्या लिखा? टू स्क्वायर प्लस टू इंटू ट्वाइस ए एक्स इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। राइट हैंड साइड में हम क्या करने जा रहे हैं कि बी स्क्वायर एड कर दिए, और ये 4ac का जो टर्म है जब उसको आप राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को जीरो में ऐड करते हैं तो आपको कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देखिएगा, ये देख रहे हैं, ये आपका ट्राइनोमियल, तो फर्स्ट टर्म कैन बी रिटेन है 2ax होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ट्वाइस ax इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ये, अगर आप ट्वाइस एक्स को पी ले लीजिए और बी को क्यू ले लीजिए तो पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, फॉर्मूला क्या बनेगा? ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा पी प्लस क्यू, इन प्लेस ऑफ पी क्या है? हम लोगों ने ट्वाइस एक्स लिया है और इन प्लेस ऑफ क्यू बी लिया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड को मतलब इसको आप इतना लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड में उसको भी मैं स्क्वायर फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर, तो जो होल स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा। अब देखिए ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं बच्चों कि बीच में इक्वल टू है, और ये देखिए दोनों साइड क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, पावर टू दोनों साइड है, इसका मतलब क्या है कि बेस विल बी द सेम। तो लेफ्ट हैंड साइड में बेस कितना है? लेफ्ट हैंड साइड में बेस आपका ट्वाइस ax प्लस बी है, और राइट हैंड साइड में बेस कितना है?
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है। अब देखिए यहां से आप क्या करिए, आपको चाहिए क्या, x चाहिए। x क्यों चाहिए, देखिए कोई भी इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो अगर उस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उस इक्वेशन में जो आपका अननोन है उस अननोन की जो वैल्यू होगी वह वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वही गिवन इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा या रूट्स होगा या जीरोस होगा, ठीक है। तो यहां पे हमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, और इस इक्वेशन में अननोन क्या है, एक्स है, एक्स अननोन कर लीजिए, वेरिएबल कर लीजिए, तो एक्स की वे वैल्यू जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वह निकालने के लिए हम लोग यहां से क्या करेंगे, उसे निकालने के लिए हम लोग ट्वाइस ए एक्स को लेफ्ट हैंड साइड रखिए और बी को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना मिलेगा, ट्वाइस ए एक्स मिल जाएगा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। डेफिनेटली चिल्ड्रेन आप अगर यहां से x निकालना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, देखिए x के साथ ट्वाइस a मल्टीप्लाई में है, जब आप साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a मिल जाएगा, ठीक है। और जो x की ये जो वैल्यू आई बच्चों, अगर आप यहां से प्लस साइन लेते हैं तो x की एक वैल्यू मिल जाएगी, अनदर वैल्यू के लिए क्या करिएगा, माइनस के साथ ले लीजिए। मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि अगर x की वैल्यू आप लेते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a, एक रूट मिल जाएगा, अगर आप माइनस के साथ लेते हैं तो दूसरी रूट मिल जाएगी, और यही क्या है, ये आपका श्री धराचार्य फॉर्मूला का डिराइवेशन है। तो बच्चों इन दिस वीडियो लेक्चर इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।